नाम सारे मुझे भूल जाने लगे, वक्त बे वक्त तुम याद आने लगे, वक्त बे वक्त तुम याद आने लगे। DSS मूवी प्रेजेंटेड बाय हरीश कौशिक। ले भाई गुनिया, यार तो लेके ना औरती सारी जमीन तेरी होगी, तेरा जो आखिरी काटा था ना वो भी साफ हो गया। ठीक है भाई, तू ये भी बोली बोली रह रही है, कहते दुख में उम्र जाएगी और ना यार तले कर जाएगी, दे ये मेरे शांति आई है, सारी जमीन मेरी होगी भैया। गुनिया इससे जमीन को पार्टी होनी चाहिए भाई, श्याम ने इससे भाई फुल पार्टी ले दो। सुन रहे चमचे, इबे जीऊं सु मैं, अरे थाम थारी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू कर लो। जिसने मेरी मांग बनते पहले उजाड़ी है ना, उनने मैं चैन तक जीण को दियो। चल सुन। अरे राकेश, कौन थी जो मेरी सेम इतना बोलगी? या मुकेश गेला शहर में पढ़िया कर दी। अच्छा, तो फुल जड़ी बदला ले होगी मेरे से है। हाँ नौ का भी आने का टाइम हो गया, चाय बना के लिया थी, उसका आया पाचा बनाऊंगी। आगे बेटी आगे तू बैठ, मैं चाय बना लिया तेरे खातर, थक गई होगी। ए माँ किसी बात करे, मैं बना के लाऊंगी। ए बेटी, तू मेरी जिंदगी में मेरा मुकेश बन के आई है, ये तू नहीं होगी ना तो मैं मर जाऊंगी, तन्ना मेरी खातर अपनी सारी जिंदगी खराब कर दी। ए माँ तू इसी बात ना करया कर, जब तू नहीं होती नी तो मैं भी मुकेश के गिल्ली मर जाती, और ईब तो तेरा पोता जवान हो गया, ईब अपन क्या की चिंता। ठीक कह से बेटी, दिनेश भी जवान हो गया और जमकति अपने पापा पर गया है, दूर तो चल न जब ईसा लग गया जरूर मेरा मुकेश उल्टा गया। ठीक कह से माँ, ले मैं चाह बना लें फिर आप चाह पींदे पींदे बैठ के बात करा। ठीक है माँ, ले। हे भगवान, पोता तो जवान हो गया, फिर कदे न कदे अपना बाप के बारे में पूछेगा, मैं के जवाब दूंगी इसने। मोहित है उरा आने वाला है, उसकी क्लास खत्म हुई है 5-10 मिनट में, और कल मनो मीनू का गली देखे था पार्क में बैठा। तो चिंता न करे, अपना देड़ कौन गोता मार सके है, कौन मार सके है, आप आए मारेंगे। यो आ गया, रुको भाई, क्या हो रहा? अरे कल मीनू के लिए पार्क में बैठा था गई भाई, मैं मीनू तो प्यार करू हूँ। अच्छा, तू प्यार करे है? हाँ। आज तक जब मीनू के गली पाएगा ना, टांगन तोड़ देंगे तेरी ना। तार भाई के टांग तोड़ने गणे देखे हैं, ठीक से शक्ल देख ले इसकी रामी की, मीनू तोड़ेगा। इन्हें बेरा है, इनका काम कौन सा है और बाप का नाम के है इसका, जानता सही किसी ने। ईसाई देखने आंदा ना, आपका काम में रहो, मम्मा को कौन रह रहे, ठीक से आज तक जब मीनू का गली पा गया ना, जी जान तक हो जाएंगे। चल रहा मोहित, समझ जिये वे ईसाई देखने आंदा ना, आपका काम में रहो, मम्मा को कौन रह रहे, ठीक से आज तक जब मीनू का गली पा गया ना, इन्हें बेरा है, इनका काम कौन सा है और बाप का नाम क्या है इसका, जानता सही नहीं किसी ने। नहीं इन्हें बेरा है, इनका काम कौन सा है और बाप का नाम क्या है इसका, जानता सही नहीं किसी ने। ईसाई देखने आंदा ना, आपका काम में रहो, मम्मा को कौन रह रहे, ठीक से आज तक जब मीनू का गली पा गया ना, इन्हें बेरा है, इनका काम कौन सा है और बाप का नाम क्या है इसका, जानता सही नहीं किसी ने। माए। हाँ बेटी। घनी बार होगी दिनेश को नहीं आया। हाँ सोच तो मन भी हो रही है, आया ही कौन है, तू न्यू कर, मैं देख के आऊँ। तू रहा है, मैं भी थर गेली चालूंगी फिर। ना बेटी, तू किस जागी रात में? ना पी तो नू, मैं देख के आऊँ सु। ए बेटी तू रह रो, मैं जाऊँ सु। ना माँ, मैं भी गेली चालूंगी। यो आ गया दिनेश। हाँ तंदारू पी है? हाँ। क्या पी तंदारू? एक बात बताओ, मेरा बाप कौन है और आप एक कौन सा काम तो आए थे और क्यों छोड़ के आए थे आप काम ने? बेटा ऐसी कोई बात को नहीं, तू आ मेरे गिल्ले में बताऊँ। ना बेटा,
तन मैं बताऊंगी ना बहू। माँ मन बता दे, मैं इसे दिन का इंतजार करू थी कभी वो पूछने लायक और मैं इसे ना बताऊं। ताहोले बताओ मैंने। हाँ माँ बता के बात से। तो सुन रहने दे बहू। नहीं माँ मैं ये बोर चुप नहीं रह सकती। बता माँ साफ साफ बता मैंने के बात से। बेटा मैं तो इसे दिन का इंतजार करू थी कद तू पूछण का लायक और मैं तना बताऊं। तो बता दो इब। बेटा तेरा गांव से सुई और तेरा बाप का नाम से मुकेश और तेरे गांव में एक गुणिया नाम का तेरा ताऊ रह है जिसने तेरा दादा जमीन खतर मार दिया और मेरा ब्याह होने से पहला तेरा बाप मार दिया जिसका कारण मैंने बिना ब्याह माँ बनना पड़ गया। बेटा मेरे सिवा तेरी दादी का कोई को नहीं और उस दिन मैंने कसम खाई थी कि गुणिया ने मार के ही अपी गांव में कदम रखेंगे। अगर तेरे में हिम्मत है ना तो तेरे दादा ने और तेरे बाप ने मारनी है तो ऐसा बदला ले ले कोई देखने वाला की भी रूह कांप जा और उसने मार के ही मैंने शकल दिखाइए। जा बेटा जिसने मेरी मांग बनता पहले मैं विधवा बना दी ना उसने मौत का घाट उतार के अपनी शकल दिखाइए और मैं इसी दिन का इंतजार करूँ थी। ठीक समा। बहू तू पागल तो नहीं होगी छोरा के सामने इसी सी बात करने लग रही। ना माँ मैं पागल को नहीं मैंने इसे दिन खतर अपना गुस्सा दबा के रखा था कि मैं मेरे मुकेश और बाबूजी का बदला ले सकूं। अगर इस तरह नहीं लिया गया ना माँ तो मैं खुद जाऊंगी। ना माँ मैं जाऊंगा इबे मैं जिंदा हूँ और मातर तक वादा करूँ मैं अपने बाप के और मेरा दादा के हत्यारा ने मौत के घाट उतार के पानी पीऊंगा। बस तू अपना आशीर्वाद दे माँ। जा बेटा मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है पर गांव में जाओ ना तो सोनू नाम का एक तेरा चाचा है और उसकी सीमेंट की दुकान है जो तेरे पापा का दोस्त था उससे जरूर मिल ली बेटा। ठीक समा। जा बेटा तमना अपना आशीर्वाद दे। जाऊ मैं। जा बेटा। ए बहू तने यो के करया ऊपर तो आधी रात ये छोरा काट दिया और परिवार में यो एक बच रहा से यो भी इतना गांव में भेज दिया और तो सबकी में खत्म हो रहा था। ना माँ जो बेटा अपना बाप का बदला नहीं ले इसका ना उसने जिन का कोई हक को नहीं। बेटी अच्छी बात तो सह को नहीं। माँ तू चिंता ना करे। चिंता क्यों होए को नहीं करे। यार दुकान तो बंद होगी की करूँ कोई ना सवेरे दूर ही आओगा नो भी उरे जाऊँगा कि तुम्हें जानदा तो कोनी किसी ने। मुकेश तू अंकल आप भी धोखा खा गए ना माँ सही कहा कर दी खुद ने देख ले और तेरा पापा ने देख ले हम दोनों एक से। हाँ कौन माँ किसकी बात करा तू और तू सह कौन है बताओ। हूँ लेकिन आप पहले नो बताओ आप सोनू अंकल होगे। हाँ भाई मैं सोनू हूँ। चाचा मैं मुकेश का लड़का और सिल्लू का पोता दिनेश हूँ और मान गई थी कि गांव में जाके तेरा अंकल सोनू तो मिल लिए। अच्छा तू मुकेश का लड़का है। हाँ अंकल। तू तो यार मेरा दोस्त मुकेश वर्गा है ईसा लागा जन भगवान मुकेश उल्टा भेज दिया हो। पर बेटा तू आड़ा गाँव में क्या कर रहा है और घर ना सब परिवार ठीक से है तेरी माँ तेरी दादी घर ना तो सारे ठीक से। अंकल आप बस मैंने नू बताओ कि मेरा बाप का हत्यारा मैंने कितने लगा। मिलन का तो के है बेटा उनका देख के ठिकाना है पूरे खेत में दारू पींदे पाऊंगे। ठीक अंकल एक तो मैं जाऊँ पर आने साथ आप तो जरूर मिल के जाऊँगा। यो कौन हो सकता यो कौन था अंकल। अरे यो गुणिया का चेला है। कोई बात को नहीं अंकल आज इन दोनों हम तो एक भी जिंदा उल्टा को नहीं आवे। रुक तो सही। अरे धीरे धीरे मेरे सारा साथ छोड़ गए एक तू है तो है जो मरते दम तक मेरा साथ निभाओगी। गुड़िया ओ गुड़िया गुड़िया। अरे वो आ गया। कौन है। अरे मुकेश है मन्नी बेब सीमट की दुकान पर देखा था। क्या तेरे के लिए भूत पड़ रहे हैं बावड़ा हो रहे क्या तू। अरे सवेरे पहले मैंने लड्डू खा लिए जो तेरे के लिए भूत पड़ रहे हैं। बैठ हटे पैग मारेगा था बैठ जा। तने बेरा है कदे मरोड़ जिंदा हो हटके ने और वो तो आपा ने मारा था चार चार गोलियां थे। राकेश ले ग्लास ठा और पैग मारे को सारे भूत बात आप बात जाएंगे। बढ़िया इस पैग की जरूरत इससे ज्यादा तरह है। अरे मुकेश मकूम संतन है क्योंकि कई बार मरोड़े भी जिंदे हो जाया करें। हाँ मैं मुकेश। मुकेश तू क्या सोचा है।
इसकी लाल मैं भी धोखा खा लूंगा। ना तू मुकेश को नहीं, जरूर कोई बह रुपया है तू। अरे तू कौन है, कितना है टावला बता, ना तो जरा मुकेश का है ना उड़े भेज दूंगा तेने भी। गुनिया आज का दिन तेरा को नहीं मेरा है, और तू मन नहीं मैं तेने मुकेश का दूर भेजूंगा, उड़े जाके माफी मांग लिए तेने माफ कर देगा, तेरा छोटा भाई था। अरे तू कौन है? मैं मुकेश का बेटा दिनेश, और तन्ने मेरी माँ की मांग भरने थे पहले उसने विधवा बना दिया, मैं उस माँ का बेटा और तेरा कालस हूँ। अरे मुकेश के नाम आ रही है, मेरा भतीजा है। गुनिया यह चाल तो बहुत गणी पुरानी होली। मार दे बेटा इसने, मार दे इसने, मेरी मांग बनते पहले मैं विधवा बना दी और तेरी दादी और मैं दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर कर दी इस बंदे ने, मार दे इसने, मार दे। चाची मन माफ कर दे। या माफी ऊपर जाके मांगी है। चल बेटा ये बाप आ रहा है, चल बेटी चल। गुनिया और राकेश को मारने के बाद दिनेश अपनी माँ और दादी को लेकर गांव छोड़कर शहर चले जाता है और अपने गांव की सारी जमीन जायदाद गौशाला में दान कर देता है। राम राम दोस्तों, आपने यह स्टोरी देखी विधवा माँ का बेटा। इस स्टोरी में हमने दिखाया है अगर आज समाज के अंदर जमीन कम होती जा रही है और इस जमीन का लालच में आके कई आदमी इतने भयंकर अपराध करते हैं, अगर घर के घर उजड़ जाए हैं, पूरे के पूरे परिवार तबाह हो जाए हैं, और आखिरी में क्या मिलता है? कुछ नहीं, जमीन यही रह जाती है और जो है परिवार तबाह हो जाए हैं। तो हमारा तो यह कहना है अगर इस जमीन का चक्कर में आके ना भाई कोई अपराध ना करो और सारे प्यार प्रेम से रहो। जय हरियाणा और जय हरियाणा।